दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। तो वहीं अब राज्यपाल और सीएम ने दोनों ने ही उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। जरा आप भी देखें ये रिपोर्ट। सुपरस्टार रजनीकांत को सोमवार देर रात चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि हार्ट से जुड़ा एक प्रोसीजर मंगलवार को किया जाना है। इसके लिए रजनीकांत अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अस्पताल या परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रजनीकांत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एक महीने के साथ एक महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।